हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती वेज किचन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है संडे। हर संडे की तरह इस संडे को भी स्पेशल बनाने के लिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्वीट डिश। और आज की हमारी स्वीट डिश एक ऐसी खीर है जो आप व्रत में यूज कर सकते हैं। साथ ही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे व्रत में यूज होने वाले साबूदाने की खिचड़ी। इसे आप बहुत ही आसानी से और कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना आपका और अपना समय खराब किए शुरू कर लेते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है साबूदाना। ये हमने यहाँ पर 250 ग्राम साबूदाना लिया है जिसे हमने एक घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। इसे भिगोने से पहले हमें इसे 2-3 बार अच्छे पानी से धो लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपनी खीर, जिसके लिए यहाँ पर हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मिल्क का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये हमारा दूध उबल रहा है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपना भीगा हुआ साबूदाना और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे धीरे धीरे चलाते हुए ही पकाना है, वरना ये साबूदाना जल जाता है। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी मलाई अपनी खीर को एक्स्ट्रा क्रीमी करने के लिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे चीनी। यहाँ पर हमने आधी कटोरी चीनी का यूज़ किया है। अब हम इसमें डाल लेंगे काटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर हमने काजू और बादाम का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स का यूज़ भी कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी डालने के बाद हमने इसे लगभग 5 मिनट तक और पकाया है। हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है। ये लीजिए, हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये साबूदाना बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। ये हमारी खीर बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी साबूदाने की खिचड़ी की, जिसके लिए हमने लिए हैं 2 बारीक कटे टमाटर, 2 उबले हुए आलू जिनको हमने काट लिया है, कुछ हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, कुछ मूँगफली के दाने और यहाँ पर कुछ काजू लिए हैं। चलिए, हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अपनी मूंगफली और काजू, इन्हें हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने उबले हुए आलू और आलू को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ये लीजिए, हमारे आलू भी अब फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे बारीक कटी हरी मिर्च और कुछ अदरक, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इधर हमारी अदरक और हरी मिर्च भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें डाल लेंगे नमक। यहाँ पर हमने व्रत के लिए यह खिचड़ी तैयार की है, इसलिए हमने यहाँ पर सेंधा नमक का यूज़ किया है। चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमारा नमक भी अच्छे से हमारे टमाटर और आलू में मिल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना भीगा हुआ साबूदाना। यहाँ पर हमने 150 ग्राम साबूदाने का यूज़ किया है। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसे एक बार फिर से हमें चला लेना है, ताकि काली मिर्च पाउडर अच्छे से हमारी खिचड़ी में मिल जाए। इस खिचड़ी को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके पका लेते हैं। आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। हमारी खिचड़ी को बनते हुए 10 मिनट हो गए हैं। चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए यहाँ पर हम हरे धनिए से इसकी थोड़ी गार्निशिंग करते हैं, जिससे हमारी खिचड़ी में एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारी गर्मा गर्म व्रत वाली साबूदाने की टेस्टी खिचड़ी बनकर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, आप इस खिचड़ी को व्रत के अलावा और भी किसी नॉर्मल डेज में बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और साथ ही साथ टेस्टी भी होती है। और आपने इसे बनाने का मेथड तो देख ही लिया होगा कि कितना आसान है। तो ये लीजिए, हमारी दोनों डिशेज बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। अपनी खिचड़ी को खाने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा नींबू डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में हमें बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है, और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।